हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो है हाइड्रो पावर टॉपिक से। दोस्तों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये जनवरी 2017 में नेट में पूछा गया था। चलते हैं अपने क्वेश्चन की और। 2000 मेगावाट डैम हैज मैक्सिमम हेड ऑफ 200 मीटर, व्हाट इज द फॉलिंग वाटर ऑन द टर्बाइन। तो हमें इसमें चार ऑप्शन दिए थे। पहला है हमारा 102.00 मीटर क्यूब पर सेकंड, 1560.24 मीटर क्यूब पर सेकंड, 1020.41 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड डी हमारा है 800 मीटर क्यूब पर सेकंड। दोस्तों, देख लेते हैं इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख रहे थे इसमें कौन सा हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है। दोस्तों, इसमें जो हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो है पावर पी इज इक्वल टू एन रो जी क्यू एच। इसमें दोस्तों हम देख रहे थे हर एक टर्म क्या क्या है। जो हमारी पहली टर्म है इसमें दोस्तों वो है पावर, पावर हमारा है पी, पी जो हमारा वाट और मेगा वाट में हमारा मेंशन होगा। इसमें हमारा ईटा है एफिशिएंसी, रो हमारा है डेंसिटी ऑफ द वाटर जो हमारी होती है 1000 पर केजी पर मीटर क्यूब। दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा। जी हमारा है ग्रेविटी एंड हमारा एच हमारा है हाइड्रोलिक हेड एंड क्यू हमारा है इसमें जो हमारा डिस्चार्ज है जो हमें फाइंड आउट करना है कितना डिस्चार्ज है वाटर का। तो इसमें हम हर एक टर्म को देख लेते हैं हमारे को वैल्यू जो गिवन है। ग्रेविटी हमारा दोस्तों जी हमारा होता है जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू होती है। दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है जैसे कि आपको याद ऑलरेडी होगी। एच हमें गिवन दिया है हाइड्रोलिक है 200 मीटर, पावर हमें ऑलरेडी गिवन है 2000 मेगावाट। सिंस देयर इज नो लॉसेस, जैसे इसमें अजम्पशन दिया गया, अज्यूम करना है कि लॉसेज एक जीरो हैं यानी कुछ भी लॉसेज नहीं है, तो हमारा ईटा की एफिशिएंसी होगी हमारी टर्बाइन की 100% होगी, जिससे हम ईटा ईटा की हमारी वैल्यू होगी 1। तो ईटा हमारा हो गया 1। तो हम इन सारी वैल्यू को रख के क्यू की वैल्यू हम इसमें निकालते हैं डिस्चार्ज की वैल्यू। तो हम फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं क्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू, क्यू इज इक्वल टू हमारा जो क्यू है हम इस साइड ले आएंगे, ओके क्यू हमारा इस साइड आ जाएगा यानी कि हमारा तो पी के नीचे हमारा आ जाएगा ईटा, ईटा हमारा क्या है 1 है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 1 करके इसे हटा दिया, हमारा क्या हो गया क्यू इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय रो जी एच, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। पी की वैल्यू हमारे 2000 मेगावाट, मेगावाट को हमने कन्वर्ट कर दिया वाट में, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया दोस्तों वाट। तो इसको हमारा जो होता है 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10^6 वाट होता है, ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। तो हमने इसमें रख दिया वैल्यू, इसमें अब हमारा हो गया रो, रो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू में 1000 दे रखी गिवन है यानी कि हमें याद रखनी, गिवन नहीं है हमें याद रखनी है। और हमारा जो इसमें जी है 9.81 मीटर पर सेकंड जो हमें याद रखना है, और जो हमें हेड है 200 मीटर है, तो हम इसको 20 से 20 कैंसिल 2 से, तो यहाँ पे हमारा बच्चा 10^7 तो ये हो गया 3 × 10^4 10^4 डिवाइड बाई 9.81 जो हमारा वैल्यू है 10.19.36 मीटर पर सेकेंड आ रहा है जो कि नियरली इक्वल टू है 1020.4 मीटर से, जो हमारा आंसर है 1020.41 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।